भाईखला के रानी बाग में ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टनल एक्वेरियम बनाया जाएगा। इस एक्वेरियम में देशी के साथ साथ विदेशी मछलियां भी पर्यटकों को देखने मिलेगी। एक्वेरियम में बच्चों के लिए पॉप अप विंडो बनाया जाएगा। रानी बाग के निर्देशक डॉक्टर संजय त्रिपाठी ने बताया कि एक्वेरियम पेंगुइन कक्ष के ठीक सामने 600 स्क्वायर फीट में बनाया जाएगा। इसे बनाने में 44 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। इस एक्वेरियम को एक साल के अंदर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस एक्वेरियम में 50 से ज्यादा देशी विदेशी प्रजातियों को मछली पर्यटकों को देखने मिलेगी। वहीं बच्चों को 360 डिग्री घूमने और मछली को करीब से देखने के लिए एक पॉप अप विंडो उपलब्ध कराई जाएगी। एक्वेरियम घूमते हुए 4 स्क्वायर शेप, 5 राउंड शेप और 2 गोल टैंक यानी कुल 11 आधुनिक फिश टैंकों में रंग बिरंग मछलियां पर्यटकों को देखने मिलेंगी। मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।